हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। यूनिट सेकेंड का आज का हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कंप्लीट लेक्चर्स। उसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। नोट्स रिलेटेड और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं टेलीग्राम पे डेली अपलोड करता रहता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक ग्लूकोजेनेसिस के बारे में। इसमें क्या होता है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, जीनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन या सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोजेनेसिस। तो इसके अंदर बेसिकली फॉर्मेशन होगा एक पाथवे के बाद ग्लूकोज का, मतलब सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज हमारा बनेगा। तो ग्लूकोजेनेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए, करते हैं स्टार्ट इसको। ग्लूकोजेनेसिस हमारा टॉपिक है। ग्लूकोजेनेसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे। अब हम स्टडी कर रहे हैं, आपको याद है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के टॉपिक्स हैं ये बेसिकली ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे, इनका मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस हम देख रहे हैं। तो ग्लूकोजेनेसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे विच इंक्लूड द बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है उसके थ्रू क्या बनता है, क्या सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज फ्रॉम एनी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कोई भी इस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल, पाइरूवेट, लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, इनमें कोई भी सोर्स हो सकता है ग्लूकोज फॉर्मेशन का इन ग्लूकोजेनेसिस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द लीवर। बेसिकली जो रिएक्शन होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की, बेसिकली होगी किसके अंदर, लीवर के अंदर। एंड फ्यू ऑफ द रिएक्शन इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। बेसिकली लीवर एंड फ्यू रिएक्शन इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, याद रखना। ये पॉइंट्स होते हैं जो याद रखने वाले होते हैं आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं। आगे देखिए, सिग्निफिकेंस हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका पाथवे कैसा होगा। तो पाथवे में हम सिर्फ अपना पाथवे देखेंगे, इसकी जो थ्योरी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, पहले थ्योरी भी बताई थी मैंने और फ्लो चार्ट भी मैं बता रहा हूँ, तो थ्योरी कैसे लिखनी है फिर बता दूंगा मैं। तो फर्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली लगता है इसमें कि ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज से हमारा पाइरूवेट बनता है, तो यहाँ पे पाइरूवेट से ग्लूकोज बन रहा है, तो ये रिवर्सिबल हो गया किसके, ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, पाइरूवेट कन्वर्ट टू ग्लूकोज में, इसके अंदर पाइरूवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। बट नॉट द एग्जैक्ट रिवर्सल ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, एग्जैक्टली रिवर्सल नहीं होता है, काफ़ी हद तक सेम होता है बट काफ़ी स्टेप इसमें सेम नहीं होती है। तो अब थ्योरी कैसे लिखनी है वो बता देता हूँ मैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है और ये हमारी सेकेंड स्टेप है, ये हमारी थर्ड स्टेप है, ये हमारी फोर्थ स्टेप है, ये हमारी 7th स्टेप है और ये हमारी 8th स्टेप है और ये 9 और ये 10, बेसिकली 10 स्टेप इसके अंदर होने वाली हैं। तो 10 स्टेप्स को कैसे लिखना है, पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलोएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। 2 ATP इज यूज एंड 2 ADP इज फॉर्म। ये कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ये थ्योरी हो गई इसकी। तो फर्स्ट में पाइरूवेट से ऑक्जेलोएसीटेट कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ऑक्जेलोएसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ फोस्फोइनोलपाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट इनटू फोस्फोइनोलपाइरूवेट। किस में कन्वर्ट हुआ, फोस्फोइनोलपाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर भी 2 GDP आई और क्या मिला अपन को, 2 GDP यहाँ पे मिली, GTP की जगह हमें GDP मिला। तो फोस्फोइनोलपाइरूवेट कन्वर्ट होगा किस में, 3 फोस्फोग्लिसरेट में, विदाउट एनी एंजाइम इंट्रैक्शन। तो उसके बाद क्या होगा, फोस्फोग्लिसराइड काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोग्लिसराइड काइनेज 3 फोस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट इनटू 1,3 बिसफोस्फो ग्लिसरेट। यहां तक जो भी मोलिक्यूल थे उनके 2 नंबर्स थे, जैसे पायरुवेट 2 थे, ऑक्जेलोएस्टेट 2 थे, फोस्फोइनोलपायरुवेट 2 थे, 3 फोस्फोग्लिसरेट 2 थे, तो इनकी 2 क्वांटिटी थी। तो ये हमारा 3 बिसफोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट इसमें कन्वर्ट होगा, देन ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट की प्रेजेंस में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा, देन ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा पाथवे है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। लास्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो सिग्निफिकेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है ग्लूकोनियोजेनेसिस मीट नीड ऑफ द बॉडी फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो भी नीड्स हैं बॉडी की वो फुलफिल करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, मतलब कि जो ग्लूकोज का लेवल है बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू मेंटेन होता है इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट एब्सेंस होता है तो उस कंडीशन में सम टिश्यूज सच एज ब्रेन, आरबीसी, लेंस, कॉर्निया, किडनी, मेडुला रिक्वायर्ड। कुछ टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ब्रेन हो गया, लेंस हो गए, आरबीसी हो गई, कॉर्निया हो गया, किडनी हो गई, इनको रेगुलर सप्लाई चाहिए किसकी, एनर्जी की। तो रेगुलर सप्लाई को फुलफिल करेगा हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज यूज इन क्लियर द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर टिश्यू फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो अदर मेटाबोलाइट होते हैं उनको क्लियर करता है, जैसे कि लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है। टू मेंटेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, जो होम्योस्टेसिस हो गया। रिमूवल ऑफ ग्लिसरॉल प्रोडक्ट बाय लाइपोलाइसिस, ग्लिसरॉल जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होते हैं उनको लाइपोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करता है ब्लड से, कौन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आई होप ये टॉपिक आपको कवर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर किया कि जी यार कमेंट करते ही नहीं आप, बिल्कुल भी कमेंट करोगे तभी मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। आप कमेंट करो, कोई भी गलती मेरे से हो रही है कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे ही सीखूंगा मैं। अब आप ही मेरी गलती नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो आप कमेंट करिए, कोई भी गलती आ रही है, आपको साफ दिखाई दे रहा नहीं है, कुछ भी गलती आ रही है, मिस्टेक आ रही है, मैं उसको करेक्ट करूंगा। आप बताओ तो सही मेरे को एक बार। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।